वेलकम माय ऑल ऑडियंस जो हमें देख रही है लगातार कर्नाटक इलेक्शन कवर करते हुए हमारे लगातार ग्राउंड रिपोर्ट जीरो लगातार आप तक पहुंच रही है हमारे लाइव सेशन के द्वारा। और हमारे साथ है प्रदीप भंडारी। इनको तो अभी जानने के अभी लोगों को पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब देख के इनके नाम पहचान सकते हैं। लगातार देश में 8 इलेक्शन प्रिडिक्ट करना ये कोई छोटी बात नहीं है। देश की राजनीति बहुत ही पेचीदा होती जा रही है, बावजूद इसके इन्होंने लगातार 8 इलेक्शन प्रिडिक्ट किए हैं और अब आप पहुंचे हैं कर्नाटक इलेक्शन कवर करने के लिए। प्रदीप जी, मेरा सबसे पहला आपसे ये सवाल है, आपका ये टेक चल रहा है, आप इस पर व्यू देंगे, और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि कर्नाटक इलेक्शन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? कांग्रेस बीजेपी हर एक पार्टी, देश की हर एक पार्टी कर्नाटक को देख रही है। देखिए, ये इलेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डू और डाई का इलेक्शन है। अगर ये JDS इस इलेक्शन के अंदर पावर में नहीं आ पाती है तो उसकी रीजनल पॉलिटिक्स में एक अस्तित्व जो है वो बहुत पीछे चले जाएगा। वहीं मैं अगर कांग्रेस की बात करूं और कांग्रेस इलेक्शन हार जाती है तो कहीं ना कहीं उसके पास कोई स्टेट ही नहीं बचेगा और एक नेशनल पार्टी जो कहा जाता है कांग्रेस को, नंबर्स पे शायद से वो कहना मुश्किल होगा। और अगर बीजेपी इलेक्शन हार जाती है तो कहीं ना कहीं जो अभी गोरखपुर और फुलपुर की जो हार हुई है उसके बाद मोमेंटम कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करता हुआ दिखेगा 19 के पहले, स्पेशली जब 18 में 3 इलेक्शन आखिरी में आने वाले हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन हैं तीनों पार्टीज के लिए। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ सर्वाइवल एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ मोमेंटम। सो सर्वाइवल एंड मोमेंटम इज़ द वर्ड। तो ये रही पार्टियों की बात, क्या रहेगा पार्टियों का, क्या समीकरण रहेगा, क्यों इंपॉर्टेंट है इतना ज़्यादा, क्यों इंपॉर्टेंट है इतना ज़्यादा। लेकिन अब बात करते हैं हमारी यानी कि जन की बात, जनता की बात, और जन की बात का रोल क्या रहेगा इस कर्नाटक इलेक्शन में। देखिए, अपनी पॉलिटिकल ओपिनियंस के रिस्पेक्टिव जब भी हम ज़मीन पे जाएं, ज़मीन की सच्चाई बताएं, ये हमारा उद्देश्य है। और कर्नाटका का सबसे बड़ा ओपिनियन एग्जिट पोल निकालना जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग वर्क है इस वक्त तक का, अभी तक के सभी चुनाव में, क्योंकि ग्रे इलेक्शंस हैं और इस इलेक्शन में कोई भी क्लियर विनर नहीं। और मैं कहता हूँ कि JDS इज इफ BJP इज टी, कांग्रेस इज कॉफ़ी, JDS इज मिल्क। सो ये है ये चुनाव इस वक्त। JDS इज मिल्क, यानी कि अगर मिल्क जिसके साथ जाएगा तो वो टेस्ट बढ़ा देगा उस पार्टी अभी का। अभी तक जरूर टेस्ट भी बढ़ा देगा और जनता जो होगी उसी पार्टी को उसी गठबंधन को आगे बढ़ाएगी। और जन की बात आपसे पूछना चाहूंगा कि जन की बात किस तरीके से इस इलेक्शन में अपना रोल प्ले करेगी, किस तरीके से काम कर रही है, किस तरह से काम करेगी? अभी 4 टीमें हमारी है, एक मैसूर के अराउंड है, एक हमारी टीम यहाँ पे मौजूद है चित्रदुर्गा में, एक दूसरी टीम में भी चित्रदुर्गा के साइड आई है, उसके बाद एक PR टीम है जो PR का वर्क कर रही है, दैट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ रिपोर्टिंग। तो ये 4 टीमें हैं सर। 4 टीमें हैं। तो मैं आपसे अभी, आपने 2-3 डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिए हैं, और मैं आपसे पूछना चाहूँगा अब तक के क्या आपके लगे कि किस तरीके से समीकरण बदल रहे हैं, जो बाहर से अभी 1 महीने पहले दिख रहा था नेशनल पॉलिटिक्स में, नेशनल न्यूज़ चैनल में, क्या वही समीकरण है अभी भी ग्राउंड पे? नहीं, एक्चुअली राहुल, मेरे हिसाब से ये इलेक्शन ना बड़ा माइक्रो लेवल पे बहुत जाएगा। हम लोग जनरली कास्ट बात करते हैं UP के रिस्पेक्ट में, पर कर्नाटक में उससे भी 10 गुना ज़्यादा है। तो कास्ट इज़ अ वेरी वेरी बिग फैक्टर हियर, और हर अगर आप डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए अक्रॉस समीकरण चेंज हो जाते हैं। मैं आपको उदाहरण दूंगा, अभी हम टुमकुर में थे, टुमकुर के नॉर्दर्न बेल्ट में आप चले जाइए तो आप देखेंगे कांग्रेस का रुझान ज़्यादा दिखेगा, टुमकुर सिटी के अराउंड देखिए तो आप BJP का थोड़ा सा दिखेगा। वहीं एक सिटी है वहाँ पे, एक MLA कॉन्स्टिट्यूएंसी टिटपुर, जहाँ पे आपका हर टिप्टर जी, जहाँ पे हमेशा पार्टी बदलती रहती है। वहीं अभी हम चित्रदुर्गा में आ गए तो हम कहीं BJP और JDS की फाइट देख रहे हैं। सो हर जो ब्लॉक है अक्रॉस कर्नाटका 6 भागों में देखा जाता है, एक हैदराबाद कर्नाटका, एक बॉम्बे कर्नाटका, एक कोस्टल एरियाज, फिर एक मैसूर का जोन आ जाता है, एक बैंगलोर का जोन आ जाता है, एक सेंट्रल कर्नाटका। ऐसे सब जोन हैं, सबके अलग अलग मुद्दे हैं, और उसी मुद्दों के अंदर बीच में डिस्ट्रिक्ट्स के भी अलग अलग मुद्दे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग अलग मुद्दे हैं। एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। सो आप ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ आप एक बड़े लीडर के आधार पर या कोई भी CM फेस के आधार पर चुनाव जीत सकते हैं। आपके लोकल कैंडिडेट जिस तरीके से आप इलेक्ट करेंगे, किस कास्ट कॉम्बिनेशन में इलेक्ट करेंगे, वो किस तरीके से कैंपेनिंग करेंगे, वो सब बहुत मैटर करेगा, इसीलिए ये इलेक्शन बहुत अलग है। तो मैं एक पूछना चाहूँगा, जैसा कि आपने बताया कि UP इलेक्शन से बहुत अलग है, कास्ट पॉलिटिक्स है यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे नाम पे, काम पे या पार्टी पे, इन तीनों में से मिक्सचर है, ये हाइब्रिड मिक्सचर है। यूपी से इसलिए अलग है, यूपी में भी कास्ट है, पर यूपी में एक बहुत ओवरराइडिंग बीफ थी और यूपी में बहुत बड़ा ब्रॉड नैरेटिव था। इस वक्त यहाँ पे बहुत माइक्रो कैलकुलेशन और बहुत मैक्रो कैलकुलेशन है। एक ब्रॉड नैरेटिव तो कैंपेन के लिए चाहिए ही, जो अभी मिसिंग है अक्रॉस पार्टीज, परंतु यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि कहीं कहीं पार्टी ज़्यादा प्रभावशाली है, कहीं कहीं कास्ट ज़्यादा प्रभावशाली है, कहीं कहीं कैंडिडेट ज़्यादा प्रभावशाली है। तो इस इलेक्शन को एक ही मैं कहना चाहूँगा, एक ही ब्रॉड नैरेटिव के अंदर एनालाइज करना मुश्किल होगा और गलत होगा।
ब्रॉड नैरेटिव जरूर है परंतु माइक्रो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अभी आपने कवर किया है अभी कर्नाटका को, अभी कुछ ही स्टार्ट हुआ है अभी अभी कर्नाटका का सफर जंग की बात का, लेकिन मैं उतने ही सफर पे आपको पूछना चाहूँगा कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार इलेक्शन में, क्योंकि नेशनल चैनल पे तो अभी कुछ ही मुद्दे सामने आ रहे थे, वाटर प्रॉब्लम, कावेरी नदी का विवाद सबसे बड़ा मुद्दा देखा। हम जैसे राहुल अभी हम लोग गए थे पावगढ़ा, वहाँ पे बताइए फ्लोराइड का पानी है, फ्लोराइड के पानी से हड्डियाँ गली जा रही हैं, परंतु अभी तक भी उसको कुछ नहीं किया। कर्नाटक का अक्रॉस जितना भी हमने ट्रैवल किया है छोटा मोटा, का पानी बहुत बड़ा मुद्दा है, और पानी का मुद्दा यही है कि यहाँ पे कल्टीवेशन के समय पे पानी नहीं आता है, और कभी आप देखें फार्मर सुसाइड्स काफ़ी हाई रेट पे हैं यहाँ पे, सो वाटर इज़ अ वेरी बिग इशू। रोड्स इतना बड़ा इशू अभी मुझे नहीं देखने को मिला, क्योंकि रोड यहाँ पे अच्छी है कंपैरेटिवली जितना हमने ट्रैवल किया है। सो पर पानी बहुत बड़ा मुद्दा है, और उसके बाद अभी तो पानी ही मुझे मुद्दा देख रहे हैं। कास्ट बहुत बड़ा मुद्दा है, कई कई जगह लोकल कैंडिडेट्स ने काम नहीं किया, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। कास्ट में इस तरीके से मुद्दा है कि लिंगायत से उसमें भी 4 सब भाग डिवाइडेड हैं, गौड़ा के अंदर 2 सब भाग डिवाइडेड हैं। तो मैंने जैसे कहा कि अगर एक यूनिफॉर्म नैरेटिव में देखा जाए तो मुश्किल होगा इसको देखना, पर क्योंकि अभी भी किसी भी साइड से कोई भी पार्टी के अक्रॉस एक यूनिफॉर्म ब्रॉड नैरेटिव नहीं क्रिएट कर पाए हैं कोई भी। जितना आपने अभी देखा गौर किया है, तो क्या मोदी का जो लहर के जो अभी जो हो रही है बातें, मोदी लहर की बातें, तो वो क्या ग्राउंड पे भी देखने को मिली है अभी? देखिए मोदी उतरे ही नहीं है, मोदी जी अभी उतरे ही नहीं है, वो एक कैटलिस्ट हैं ज़रूर, वो डिनाई नहीं कर सकते। इनफैक्ट आपको याद है जब ने क्वेश्चन में पूछते हैं बीजेपी के बारे में, थोड़ा सा लोग जानते नहीं है, या थोड़ा सा मैं कहना आप मतलब इतना एक्साइटमेंट नहीं दिखाते, वहीं अगर मोदी की बात करें तो एकदम से थोड़ा सा एक्साइटमेंट आता है। सो मोदी जी इज़ अ फैक्टर, परंतु मोदी जी की अलोन पे नहीं जीता जा सकता ये चुनाव, अगर बीजेपी सोच रही जीतने के लिए। ये चुनाव जीतने के लिए लोकल कैंडिडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, माइक्रो कास्ट कैलकुलेशंस करना होगा, मुझे लगता है कि करीबे ही होंगे, पर यह सब इट्स अ वेरी क्लोज इलेक्शन इट कैन गो एनीवे। पिछले कुछ चुनाव में देखा गया है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का जो फेस है वो रिवील नहीं करती आखिरी मौके पे, लेकिन यहाँ पे एक महीने पहले ही मुख्यमंत्री का फेस सबको दिखा। राहुल इसमें अगर तुम भी देखोगे, पिछली बार केजीपी एक पार्टी थी जो बीजेपी के अंदर से निकली थी येदुरप्पा जी की, और उन्होंने काफी बीजेपी के वोट्स काटे थे, जितना भी बीजेपी का लिंगायत स्ट्रॉन्ग होल्ड था उस सब में उसके वोट्स कट गए, तो कहीं उनको सिर्फ 40 सीटें, जो बहुत बड़ा गंदा लॉस था। उसके बाद से येदुरप्पा जी ने कसम खाई थी कि मैं कभी बीजेपी में वापस नहीं आऊंगा, और परंतु फिर उनको समझाया गया वो पार्टी में वापस आए, और उसके बाद केजीपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो अक्रॉस बीजेपी के अंदर आ गए। सो अभी ये हुआ है कि एक सीट के अंदर 2 अक्रॉस कैंडिडेट्स हैं, और येदुरप्पा जी इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू लीडर्स अक्रॉस कर्नाटका बीजेपी विच हैज़ अ मास अपील एटलीस्ट इन द रूरल एरियाज। आप भी देखिए येदुरप्पा का नाम जाना जाता है, यहाँ तो सिर्फ 3 ही नाम चलते हैं, येदुरप्पा, कुमार स्वामी अन्ना, वो अन्ना बोलते हैं यहाँ पे बड़े, कुमार अन्ना, येदुरप्पा अन्ना और सिद्धरमैया अन्ना। सो ये चीज़ है, पर यस उसके अलावा फ्रॉम दैट मोदी विल बी अ फैक्टर, ये डिनाई नहीं किया जा सकता। और एक और चीज़ आप देखिए, जैसे सिद्धरमैया जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आप आएँ तो आप देखेंगे वरुणा और इस सब साइड में उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है, वहाँ पे आपके किसानों को पानी नहीं है, सड़कें नहीं बनी हैं, और इसीलिए इस बार वो वरुणा से कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो है कि वो उनके बेटे उनके सीट से कंटेस्ट, हाँ, पर आज उनके बेटे की खबर आई थी कि उनके बेटे को भी कई SC ST OBC लोगों ने अपोज किया था, क्योंकि उनको दलित बुला दिया था। सो कहीं ना कहीं वरुणा में कांग्रेस काफ़ी वीक है। इनफैक्ट अभी चांदीपुर शायद से कहीं से कंटेस्ट कर रहे हैं, ये मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, परंतु वहाँ पे भी अभी पता चला है कि जो लोकल JDS MLA है उसने बोल दिया कि हम देखते हैं कैसे जीतेंगे, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के सबसे ज़्यादा लोग हैं। सो इट्स नॉट ईजी फॉर सिद्धरमैया। इस इलेक्शन में 2018 का इलेक्शन को बहुत ही खास माना जाता है, तो इस इलेक्शन कर्नाटका से क्या सरप्राइजिंग एलिमेंट देखने को मिल सकता है? कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। कई यहाँ पे बहुत स्ट्रांग लोग हैं जो कहते हैं कि कुमार अन्ना को हम CM बनाएंगे, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि इस बार मोदी BJP येदुरप्पा आएंगे, कुछ लोग कहते हैं कि सिद्धरमैया ने अच्छा काम किया। सो अलग अलग पॉकेट्स और रीजन्स हैं जिसमें अलग अलग पार्टीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं, देखना ही, और काफ़ी क्लोज हैं। जैसे आप राहुल उदाहरण दीजिए, अभी हम यहाँ से आ रहे हैं हिरूर से, अब हिरूर में आप देखिए JDS BJP की फाइट स्ट्रांग है, जैसे हमने और डिग डीप किया तो पता चला कि थोड़ा सा बीजेपी आ गई है। वहीं अपन इसके थोड़े से पहले पावगढ़ में थे, वहाँ पे बीजेपी थी नहीं, उसके थोड़ा सा उधर आए तो बीजेपी आ गई, फिर कांग्रेस आ गई, फिर JDS आ गई। तो ये जिस तरीके से मूव आप कर रहे हो, और मैं बड़ा शॉक्ड हूँ और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है कि किस तरीके से थोड़े थोड़े रीजन्स में ही पार्टीज का प्रेफरेंस चेंज हो जाती है। वहीं अगर जब हमने त्रिपुरा कवर किया तो एक पूरी वेव थी, मैंने गुजरात जब कवर किया था तो वहाँ पे बड़े प्रॉकेट्स थे जहाँ पे एक अंडरकरंट देखने को मिला था। तो दिस विल बी रियल टेस्ट फॉर एवरीबडी। क्या यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि पार्टी डोमिनेंस किसी पर्टिकुलर एरिया पे हो, किसी एक पर्टिकुलर विभाग, मतलब कि जरूर किसान पे हो या फिर किसी शहर में? मैं शौक हूँ कि अभी यहाँ से कोई, आप तक ट्रैवल कर रहे हैं इनिशियल डेज कह सकते हैं, पर ब्रॉड नैरेटिव अभी देखने को हमें मिल ही नहीं रहा अक्रॉस पार्टीज। छोटा मोटा चल रही है चीज़ें, परंतु ब्रॉड नैरेटिव देखने को नहीं मिल रहा है, और जो मुद्दे हैं वो अलग अलग मुद्दे अलग अलग रीजन्स के बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे।
पर पानी एक यूनिफॉर्म मुद्दा मुझे देखने को मिल रहा है, परंतु पानी एक मुद्दा है मेरे हिसाब से राहुल, जो एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा रहेगा। करप्शन यहाँ पे नैरेटिव नहीं होगा। इलेक्शंस आने से जस्ट कुछ दिन पहले ही कई सारे वो जो पिटारे खोले जाते हैं, जो पार्टियां जो जो फॉर्म में होती है, जो गवर्नमेंट में होती है, अपना जो जो दरवाजा है वो खोल देती है लोगों को दिखाने के लिए कि हमने काम किया है। तो इस तरह के भी कुछ देखने को मिले। खासकर अब पाव करा गए थे तो वहाँ पे अभी एक सोलर प्लांट लगाया गया है एशिया का सबसे बड़ा, लेकिन वहाँ के लोगों को जॉब ही नहीं मिली, आंध्रा से जॉब मिल रही है। बहुत बहुत ऐसा ही अपने पॉइंट बताया कि वहाँ पे आंध्रा से जॉब मिल रही है। वहीं वाटर कूलर लगाए गए कई जगह पर, वो एक दो महीने पहले लगाए गए। सो ये ना मुझे लगता है कि एटलीस्ट जनता ऊपर आ गई है कि आप दो दो महीने पहले काम अगर करेंगे दैट विल नॉट समथिंग विच विल एक्साइट द पीपल। पर यहाँ जैसे मान लीजिए चावल की स्कीम है, आप इसी तरह कि चावल की स्कीम कई जगह काम कर रही है, पर इसमें सवाल यही उठता है कि आप आदमी को चावल देंगे कि उसको रोजगार देंगे। या मान लीजिए चावल देंगे तो कई लोग उससे खुश हैं, परंतु कब तक खुश रहेंगे देखना भी होगा। सो कई परंतु वो काम कर रहे हैं इंदिरा कैंटीन वाली चीज़। अगर आप रूरल एरिया इंदिरा कैंटीन लेके सी बैंगलोर में सीमित है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, पर आप यहाँ पे जैसे रूरल एरियाज में जाएं तो आप देखेंगे कि चावल वाला जो इशू है, इशू नहीं कहना चाहिए, चावल जो दिया जा रहा है, परंतु उसमें भी आपने जैसे बताया कि 7 रुपये 7 kg ओली पर मन दिया जा रहा है। अब इसमें भी सवाल भी है कि एक ही वैरायटी का दिया जा रहा है। तो अगर मैं तुम्हें राहुल कहूँ कि तुम्हें मैं डिसाइड करूँगा कि तुम हर दिन क्या खाओगे, तुम्हें अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। तुम भी चाहते हो कभी चाइनीज खाऊं कभी वो खाऊं, तो तुम्हारे लिए इससे अच्छा 100 रुपये का दे दो, जो तुम्हारी इच्छा तुम वो खाओ। कर्नाटका में आपका पहला सफर है, एक पहला इलेक्शन कवर कर रहे हो, आपको कर्नाटका हमें बताया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है आईटी हब है, क्या आईटी हब आपको पूरे कर्नाटका में देखने को मिला, जॉब अपॉर्चुनिटी पूरे कर्नाटका में देखने को मिली या फिर सिर्फ बैंगलोर तक? ये बैंगलोर की पूरी कहानी है, और ये जो लोग सिर्फ बैंगलोर तक घूमते हैं, कॉन्क्लेव्स कर लेते हैं और मिनिस्टर्स के इंटरव्यूज लेते हैं और लाइक्स ट्वीट सजाते हैं, उनकी स्टोरी है। जमीन की स्टोरी आप खुद ही देख रहे हो, टुमकुर चले जाइए 70 किलोमीटर दूर, वहाँ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनी को क्यों नहीं लेके आए आप। सो ये सब इज़ ऑल वेरी स्मॉल टॉक ऑफ वेरी फ्यू पीपल। रियल टॉक इज अबाउट इशूज विच आर वेरी स्पेसिफिक टू डिफरेंट रीजन्स, एंड दैट इज़ वाई आई विल नॉट से कि आईटी एक्सेट्रा थिंग्स आर देयर, ये कोई इशू नहीं है। अर्बन बैंगलोर में पॉटहोल्स का इशू है मेरे हिसाब से। तो देखना ये होगा कि किस तरीके से आगे इशूज ये फ्लेयर अप होते हैं, क्योंकि अभी तो मुझे सिर्फ ये दिख रहा है कि कई पार्टी मोस्टली अभी आप देखिए पार्टीज ने कैंडिडेट्स नहीं डिक्लेयर किए हैं। अब अगर कैंडिडेट्स नहीं डिक्लेयर करे तो फिर कैसे लोगों को पता ही नहीं है कि कौन कंटेस्ट होने वाला है। अभी कांग्रेस का एक फेक लिस्ट भी जारी हुआ था जिसमें कैंडिडेट की लिस्ट निकल गई थी, तो ये अब चुनाव आ रहा है तो दोनों तरफ के पक्ष फेकनेस तो चलेगी, और ये फेक न्यूज़ का ज़माना है तो इसमें तो आप कई चीज़ें फेक देख ही सकते हैं। आखिरी दो सवाल मेरे जन की बात के लिए, जन की बात तीन पूछो राहुल, तीन पूछ लो। यूथ क्यों हमने सवाल छोड़ दिया, यूथ का, क्योंकि हमने यूथ का सेक्शन भी एक रखा हुआ है और यूथ किस बहुत बड़ा फैक्टर इसमें निभाएगा। हमने इस बार कवर किया है कि जो पहली बार जो चुनाव देंगे इस बार इस कर्नाटका इलेक्शन में पहली बार चुनाव देने जा रहे हैं उन लोगों का क्या सोच है, क्योंकि वो लोग हैं जो इस बार चुनेंगे गवर्नमेंट अपने काम के बेस पे, जो जिन्होंने उनको जॉब दे सकते हैं, वो आगे जाके जॉब्स के लिए जाएंगे तो जॉब दे सकते। यूथों का कैसा रुझान है, यूथ किस तरह भाग रही है, बीजेपी कांग्रेस जेडीएस कहती है हम किसानों के साथ हैं, कांग्रेस कहती है हम गरीबों के साथ हैं, तो फिर बीजेपी को लोग किस तरह से देख रहे हैं? इसमें ना राहुल थोड़ा सा एक माइनर मतलब थोड़ा सा नुआंस डिफरेंस है, बारीकी है। बारीकी ये कि गांव वाले इलाकों में आप थोड़ा जेडीएस का रुझान देखेंगे और वो रुझान ज़्यादा आप एजड मैन में देखेंगे। वहीं अगर आप यूथ में आ जाते हैं तो थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन ना मोदी जी के प्रति काफ़ी ज़्यादा इट्स मोर लाइकिंग। वहीं कुमार स्वामी अन्ना के प्रति द लाइकिंग इज़ देयर इन मोर ऑफ रूरल एरियाज। दीज रूरल एरियाज अगेन आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ एरियाज वेयर कांग्रेस इज डन वर्क, एरियाज वेयर कांग्रेस इज नॉट डन वर्क। Areas where Congress is not done work, that is where JDS is gaining ground in these rural areas. And other rural areas, we have Congress a bit strong. So, this is how I will look at it. But yes, at least in women and youth, largely you can say that more BJP, I don't know, but at least Prime Minister Modi has edge. 49% women है यहाँ पे, बिल्कुल भागीदारी बहुत ज़्यादा है women की यहाँ पे, सेक्रेटरी से बहुत अच्छा है माना जाता है। तो women का लगाव किस तरफ है आपके बाद, जब आप बात किया किस तरह से लगा आपको? अभी मैं पूरा कंक्लूड नहीं कर सकते राहुल, क्योंकि अभी अपन ज़्यादा रीजन से इतने घूमे नहीं हैं कि करीबन 25-26 के बाद करेंगे। और हम लोग की स्ट्रेंथ ही यही रही है कि जो हम बोलते हैं उसमें वेट होता है, तो भले 10 ऑडियंस देखें या 10,000 देखें, पर जो देखता है बोलता है कि ये लोग अलग हैं और इनमें कुछ दम है। सो इसीलिए मैं इस पर कंक्लूड नहीं करना चाहूँगा, पर हाँ अभी तक जितना अपन ने ट्रैवल किया विमेन आर मोर लाइकिंग टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी। जन की बात और टीम किस तरीके से काम कर रही है, क्या उनका तरीका है पहुंचने का, लोगों जनता तक पहुंचने का? ज़मीन पे जा रहे हैं, सिंपल रख रहे हैं, ज़मीन पे जा रहे हैं, लोगों के मुद्दे रख रहे हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, चौपाल्स कर रहे हैं, पोल की तैयारी कर रहे हैं, पैकेजेस निकालना चालू कर रहे हैं कल से, तो जितना हो सकता है हम टोटली कर रहे हैं।
लोगों को बस सेंटर में रख के पूरा ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, जिससे कि कल को तुम भी जाओ कर्नाटका से तो तुम भी कभी कोई डिबेट में बैठो अपने दोस्तों के बीच में या कहीं पर भी अक्रॉस कॉन्फ्रेंस में, तो तुम कर्नाटका को 10 गुना ज़्यादा अच्छे से जान सको कम्पेयर टू एनी अदर रिपोर्टर. दैट इज समथिंग विच पीपल इन जन की बात. बाकी जो नेशनल मीडिया है बाकी उससे जन की बात कितना अलग है? इसलिए अलग है कि नेशनल मीडिया इज नॉट इवन स्टार्टेड कवरिंग. नेशनल मीडिया विल कम, इट विल कवर सम 10 की स्ट्रीट्स एंड स्टार्ट क्लैपिंग की दिस माइट हैपन दैट माइट हैपन. नेशनल मीडिया माइट गो टू की लीडर्स, गो इन देयर कार कॉन्वोज और बोलेंगे कि इनके बाइट ले लेंगे और उसको ट्विटर पे पोस्ट को डालेंगे और लाइकिंग करेंगे. नेशनल मीडिया डज नॉट हैव द वेयरविदॉल, वॉइस ओवर पैकेज बनाएंगे बट दे डोंट हैव द वेयरविदॉल टू टॉक टू पीपल, टू हैव द पेशेंस, टू स्पेंड टाइम. इट डजंट, देयर होल मॉडल ऑल्सो डज नॉट अलाउ दैट. So I think it will be a superficial vanilla which national media will be doing, at least the reporters most of it. And they'll then get to, वो क्या करेंगे कि beat reporters होंगे जो यहाँ के उनको बैठेंगे उनसे लिखवाएंगे, कुछ leaders होंगे उनसे लिखवा देंगे और उधर से conclusions निकाल लेंगे और probability जो चलती है probability max करेंगे कि पिछली बार कौन जीता था, ये जीता था, इस वक्त ये हो सकता है, नहीं कुछ दूसरा आदमी बोलेगा नहीं ये नहीं हो सकता, उसी में भिड़ जाएंगे, उसी में थोड़े से व्यूज आ जाएंगे, खुश हो जाएंगे. तो ये है, जनता भी थोड़ा बहुत देख लेगी पर सबको पता है कि असलियत तो जमीन पर जाके ही होती है और बारीकी तो यही है. तुम भी ये रियलाइज कर रहे होगे प्रधान चुनाव करके. लास्ट में बस यही पूछना चाहूँगा कि क्या अभी हमने सिर्फ 20 से 25 कॉन्स्टिट्यूएंसी अभी कवर किए हैं, अभी पूरा सफर बचा हुआ है, 224 विधानसभा बचा हुआ है. आखिरी में अपने आपका ये पहला टेक है, आखिरी में आप क्या कंक्लूड करना चाहेंगे अपने पहले टेक? पहले टेक में यही करना चाहूँगा, एज द लाइन आई सेड दैट इफ बीजेपी इज टी कांग्रेस इज कॉफी जेडीएस इज द मिल्क, दैट्स माय लाइन. तो जेडीएस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, लोकल पार्टी है, लोकल टच है, लोकल लोगों से जुड़ी हुई है. नेशनल पार्टी कांग्रेस और बीजेपी सामने टक्कर दे रही है, तो बीजेपी मिल्क का जैसा कि प्रदीप जी ने बताया मिल्क है और बाकी जो पार्टियां हैं वो टी एंड कॉफ़ी का रोल प्ले कर रही है. यानी कि स्वाद अगर कोई बढ़ाएगा इस इलेक्शन में 2018 कर्नाटका इलेक्शन में तो वो होगा जेडीएस. जेडीएस इस बार बहुत ज़्यादा एक्स फैक्टर के साथ उतरी हुई है मैदान में और पूरी जोर लगा चुकी है इस बार इलेक्शन की जो गणित है उसको बदलने के लिए. तो ये थे प्रदीप भंडारी जन की बात से और ये था इनका पहला टेक. और प्रदीप भंडारी जी का ये टेक पहला था लेकिन आखिरी नहीं है, क्योंकि अभी बस शुरुआत हुई है, अभी हमें बाकी और भी सफर तय करना है और पूरा कर्नाटका को हमें देखना है खुद की नज़र से, ना कि किसी और की नज़र से, ना कि किसी दूसरे मीडिया की नज़र से. तो बने रहिए जन की बात के साथ और हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे और हम बाकी मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे. धन्यवाद.